प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय आह्वान पर सिद्धार्थ नगर में लगातार लेखपाल छठवें दिन भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करने के साथ धरने पर बैठे हैं। गांधीवादी विचारधारा के अंदाज में धरना दे रहे हैं। लेखपाल संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लेखपाल धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों में वेतन विसंगतियां और पेंशन के साथ भत्ता वृद्धि, लैपटॉप और मोबाइल और पदोन्नति आदि मांगों को लेकर धरनारत हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। चाहे किसानों का कोई काम हो या ना हो, लेखपालों के लगातार धरने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। इस धरने से थानों में आयोजित होने वाला समाधान दिवस भी फरियादियों के लिए बेमतलब रहा। वहीं जिले के जिलाधिकारी भी अब इस धरनारत लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में एस्मा लागू है, जिसके कारण कोई भी सरकारी कर्मचारी धरना नहीं दे सकता। सर, ये गलत खरीफ लगा रहे हैं। एस्मा लगाने का औचित्य नहीं बनता है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अस्पताल से बंधे हुए हैं कि अस्पताल की जो दूसरा नुकसान हो जाएगा। ये जबरदस्ती योगी लगाए हैं। जब योगी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब सांसद थे लोकसभा में, तो इन्होंने अखिलेश सरकार को लिखित रूप से अपने पैड पे दिया था कि जो लोकपाल की 6 सूत्रीय मांग है जायज है, इसको हर हाल में पूरा करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आज वो सरकार में है, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उन्हीं को करना है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, एस्मा नहीं कोई कार्रवाई होगी। हमारे साथी, प्रदेश के हमारे सभी साथी लेखपाल साथी, देखिए लेखपालों का धरना चल रहा है। लेखपाल भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन अपनी बात सुनने का एक तरीका होता है। और जब सरकार ने 3 तारीख से एसेंशियल सर्विसेज में ला दिया है लेखपालों को, और ये कहा गया है कि अब उनका धरना करना इलीगल है, तो उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए। और ये बात अच्छी नहीं है कि आज 9 तारीख भी हो गई है, अब तभी धरना हड़ताल कर रहे हैं। इस क्रम में नोटिस भी जारी किए जाएंगे, और अगर इसके बाद भी नहीं बन पाता है तो कार्रवाई की जाएगी।